अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये वीडियो देख के आप जरूर चौंक जाएंगे। ये शॉकिंग वीडियो है, डिसगस्टिंग है, शेमफुल है। और अगर ये वीडियो देख के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या मैं ये कहूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं यहां पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि यहां कोई भी केयर करने वाला नहीं है। ये पूरा वीडियो जो है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला का है, जिसे आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहते हैं, जीएमसी बारामूला। ये वार्ड है, पीडियाट्रिक वार्ड, और ये आप देख सकते हैं मेडिकल वार्ड और पीडियाट्रिक वार्ड के साथ में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके के मंजर हैं, चौंक जाएंगे आप ये वीडियो देख के। आगे देखिए, ये जो पीडियाट्रिक वार्ड पूरा आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है इस पे, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एडमिट होते हैं, इलाज के लिए आते हैं। और साथ ही ये नर्सेज का रूम है यहाँ पे, और नर्सेज के रूम के साथ में जो गली जाती है ये देख सकते हैं आप, ये नर्सेज रूम है। और आगे आप देखेंगे क्या मनाजिर है यहाँ पे, क्या मंजर है, और ये देख के आप जरूर चौंक जाएंगे। जरूर आपको ये लगेगा कि ये वाकई डिसगस्टिंग है। ये देखिए, ये हालत है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला की, जिसे जीएमसी हॉस्पिटल बारामूला कहते हैं अब। और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पेशेंट्स या अटेंडेंट्स किस हाल में है, कितनी गंदगी है और क्या कुछ जमा किया गया है यहाँ पे। आखिर ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो है कहाँ पे, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो वहां है बारामूला, उसके प्रिंसिपल आखिर कर क्या रहे हैं? अगर वो इसका केयर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट में सुधार नहीं ला सकते हैं, तो उनका कोई हक नहीं रहता है फिर उन पोस्ट पे रहने का। खासतौर से जो एमएस हैं इस हॉस्पिटल के, उनके खिलाफ कार्रवाई बनती ही बनती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो इस हॉस्पिटल को मैनेज नहीं कर सकते हैं तो उनको वहां पे रहने का कोई हक नहीं है। ऐसा ना आप कहिए कि लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर उन्होंने इस तरीके की मैनेजमेंट यहां पे रखी होती तो शायद लोग भी उसी तरीके से बिहेव करते। ये नॉन अटेंटिव एटीट्यूड है, ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर एडमिनिस्ट्रेशन की। और अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई हायर लेवल पे, उन लोगों के खिलाफ जो इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, जो तनख्वाह ले रहे हैं, तो उसका मतलब है कि ऊपर से नीचे तक जो है केयरलेस गवर्नमेंट है, केयरलेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और वो इसका जो है कोई सदभाव ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये वीडियो देख के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हरकत में आएगी और इस हॉस्पिटल में सुधार करने के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि काफी शिकायतें इस हॉस्पिटल के मुतालिक आती हैं। न सिर्फ बारामूला हॉस्पिटल बल्कि जो अनंतनाग में जीएमसी है वहां पर भी काफी जो है मिसमैनेजमेंट है। तो यह हाल है बारामूला हॉस्पिटल का, जीएमसी बारामूला का। तो ऐसे में यह सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाए जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिन्हें यह ठीक करना चाहिए था। स्वीपर आखिर कर क्या रहे हैं? अगर स्टाफ की कमी है तो क्या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने या एमएस ने लिखा है आगे कि उन्हें नीड बेस्ड कुछ लोग चाहिए ताकि यहां पे इस चीज का ख्याल रख सके? या सिर्फ जब ये हॉस्पिटल बनते हैं ठेकेदार को पैसा मिला, सरकारी खजाने से पैसा निकला, टैक्स पेयर्स का पैसा जाया हुआ और उसके बाद कोई पुरसान हाल नहीं है? तो ये एक बड़ा सवाल या निशान है यहां के कामकाज पे। तो अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम ये समझेंगे कि यहां कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप ही की वजह से 2019 से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? और अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे हो रहा है तो ऊपर इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और जानिए कि ये नेक काम आपकी वजह से कैसे हो रहा है। शुक्रिया दोस्तों।